हाई वोल्टेज लाइन और जो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर है उनको कैसे ऑन ऑफ करते हैं। हमारे घरों में जैसे हम नॉर्मल स्विच को ऑन ऑफ करते हैं वैसे हाई वोल्टेज लाइन में बिल्कुल भी नहीं होता है। और वह क्यों नहीं होता है, उससे पहले आप यह एक छोटा सा वीडियो देखिए। इसमें यह जो पर्सन है यह कोई रीजन से इस हाई वोल्टेज लाइन को कट कर रहा है, और जैसे ही यह वायर कट होता है तो यहाँ पर कितना बड़ा स्पार्क क्रिएट होता है जो बहुत ही डेंजर हो सकता है। और यदि हर बार इसी तरीके से लाइन को ऑन ऑफ करते टाइम स्पार्क क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें पिघल जाएगी और जितने भी बीच में इक्विपमेंट लगे हुए हैं वह एक बम की तरह धमाका करेंगे, और बाय चांस यदि कोई इलेक्ट्रिक लाइन टूट जाती है तो ऐसा ही खतरनाक स्पार्क होगा जिससे कितना भी नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है, और खासकर इस इलेक्ट्रिसिटी वाली आग को पानी से भी नहीं बुझा सकते। तो फिर इन हाई वोल्टेज की लाइनों को कैसे ब्रेक किया जाता है जिनका वोल्टेज 132 किलोवोल्ट या 400 किलोवोल्ट या 1200 किलोवोल्ट के आसपास में होता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा देखना वीडियो को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन हाई वोल्टेज लाइन को जो ब्रेक करता है उस डिवाइस का नाम है सर्किट ब्रेकर। यह सर्किट ब्रेकर ही है जब लाइन ऑन लोड पर होती है तो उसको ब्रेक कर सकता है। इसके अलावा एक डिवाइस और होती है जिसका नाम है आइसोलेटर। यह आइसोलेटर सेम हमारे घर का जो स्विच होता है उसी की तरह काम करता है, लेकिन यह थोड़ा साइज में बड़ा होता है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन यह लाइन को तभी ब्रेक कर सकता है जब लाइन ऑलरेडी ऑफ हो, मतलब जब कोई हाई वोल्टेज की लाइन में करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है तभी यह उसको ब्रेक कर सकता है। अब आप कहोगे कि जो लाइन पहले से ही बंद है उसको फिर बंद करने का क्या मतलब, फिर क्यों इस आइसोलेटर का यूज होता है। और इंटरेस्टिंगली यह आइसोलेटर पूरे पावर हाउस में ट्रांसमिशन लाइनों में हर जगह यूज होता है। अब इस वीडियो में आप देख सकते हो यह आइसोलेटर ऑन लोड में ओपन हो रहा है और कितना खतरनाक स्पार्क यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आइसोलेटर को हम अपने हाथों से नीचे की तरफ एक हैंडल होता है उसको घुमाते हैं तब यह आइसोलेटर ओपन होता है, या फिर इस हैंडल से कोई छोटी मोटर लगाकर भी इस आइसोलेटर को ओपन कर सकते हैं। तो आइसोलेटर लाइन को ब्रेक करने का सही तरीका नहीं है, तो फिर इसका यूज क्या है इसको देखते हैं अपन। यह जो मैंने अभी आपको एक डिवाइस का नाम बताया जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर, यह लाइन को बंद तो कर देता है लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यह है कि यह सर्किट ब्रेकर एक तो कम्प्लीटली बंद रहता है, हमें बाहर से नहीं पता चल सकता कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो जब यह लाइन को ब्रेक करता है तो जहां से यह लाइन को कट करता है उन सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के बीच में बहुत ही कम गैप होता है, और यह जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट होते हैं ना इनको पोल बोलते हैं। तो लाइन ब्रेक होने के बाद में इन पोल के बीच में बहुत ही कम गैप रहता है, और अभी आपने देखा था कि जब लाइन ब्रेक होती है तो कितना ज्यादा स्पार्क क्रिएट होता है। तो जब लाइन को ब्रेक कर दिया जाता है तो सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड में आइसोलेटर लगा रहता है, उसको भी ओपन कर दिया जाता है ताकि लाइन पूरी तरीके से ब्रेक हो सके। अदरवाइज यदि कोई लाइन पर काम कर रहा है जिसने सिर्फ सर्किट ब्रेकर को ही बंद किया है तो उसके भी करंट लग सकता है। दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ में यह आती है कि यह सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक और मैन्युअली दोनों तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा जब भी कहीं इलेक्ट्रिसिटी लाइन को कोई टच कर जाता है या फिर कोई पेड़ टच कर जाता है या लाइन का कंडक्टर टूट जाता है तो लाइट तुरंत कट हो जाती है, उसके पीछे यही सर्किट ब्रेकर ही होता है और यह लाइन को तुरंत बंद कर देता है। और लाइन को बंद करने के बाद में यह खुद ही थोड़े टाइम बाद में लाइन को वापस ऑन करता है। यदि कहीं पर लाइन को पेड़ टच हुआ हुआ है और वह यदि पेड़ हवा से वापस दूर हो जाता है तो लाइन ऑन हो जाती है, और यदि वह वहीं पर टच रहता है तो यह वापस लाइन को बंद कर देता है, और यह ऐसे तीन बार करता है ऑटोमेटिकली। यदि लाइन ऑन नहीं होती है किसी फॉल्ट की वजह से तो यह फिर लाइन को परमानेंट बंद कर देता है। और जब भी कोई इलेक्ट्रीशियन लाइन को चेक करने आता है तो वह इस सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ के जो आइसोलेटर लगे हैं उनको ओपन करके आता है ताकि वह सही से उस पर काम कर सके, क्योंकि यदि बाय चांस यदि कहीं सर्किट ब्रेकर अपने आप ऑन हो गया तो जो भी इस लाइन के टच होगा उसकी डेथ हो सकती है। और आइसोलेटर को जब सर्किट ब्रेकर पर काम करना होता है तब भी इसको काम में लिया जाता है। अब यह जो सर्किट ब्रेकर है ना यह भी अपने आप काम नहीं करता है, इसके पीछे भी एक डिवाइस लगी रहती है जिसका नाम है रिले, और यह इसी सर्किट ब्रेकर को बताती है कि कब ऑन होना है और कब ऑफ होना है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर सिर्फ और सिर्फ एक स्विच है जो बहुत ज्यादा फास्ट ऑपरेट करता है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है जिसका मतलब है जो
करंट होता है उसमें सिर्फ एक सेकंड में यह करंट 50 बार ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो फॉल्ट आने के तुरंत बाद यह सिर्फ इस एक साइकिल में ही ऑपरेट हो जाता है और लाइन को बंद कर देता है। लेकिन जो रिले होती है वह इसके दिमाग का काम करती है, वह रिले ही इस सर्किट ब्रेकर को बताती है फॉल्ट के बारे में, क्योंकि फॉल्ट को डिटेक्ट रिले ही करती है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि सर्किट ब्रेकर तो 400 किलो वोल्ट 1200 किलो वोल्ट तक ऑपरेट करता है, लेकिन यह रिले सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 वोल्टेज डीसी पर काम करती है। फिर बताओ यह कैसे इस सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल कर लेती है। उसके पीछे रीजन यह है कि यदि आप कभी पावर हाउस में गए हो तो वहां पर ऐसे बड़े बड़े पैनल लगे रहते हैं जिन पर बहुत सारे मीटर लगे रहते हैं, जो हर टाइम पावर हाउस में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी रीडिंग लेते रहते हैं और साथ में कितना लोड चल रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, ट्रांसफॉर्मर की हेल्थ कैसी है, यह सब कुछ चेक करते रहते हैं। और इन पैनल के अंदर रिले भी लगी रहती है और यह सब के सब पैनल और इतने सारे मीटर यह सब के सब डीसी सप्लाई पर ऑपरेट करते हैं 110 वोल्ट या 220 वोल्ट डीसी पर। क्योंकि मान लो जैसे कोई पावर हाउस है जो 400 किलो वोल्ट का है और अब 400 किलो वोल्ट के पावर हाउस में यदि किसी लाइन को बंद करना है तो पावर हाउस में जो भी बंदा रहता है वह सर्किट ब्रेकर के पास में जाएगा और उस लाइन को ब्रेक करके आएगा। और जब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो अभी वीडियो में देखा था बहुत ज्यादा स्पार्क क्रिएट होता है, और यदि सर्किट ब्रेकर कहीं फट गया या यदि कोई और इक्विपमेंट फट गया तो बहुत कुछ तबाह हो सकता है। इसलिए पावर हाउस में करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर दो डिवाइस होती है, उनके थ्रू हाई वोल्टेज को 5 या 10 वोल्ट तक डाउन कर लिया जाता है और हाई करंट को 5 या 10 एम्पीयर तक डाउन कर लिया जाता है, और फिर इन हाई वोल्टेज के इक्विपमेंट जैसे ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफॉर्मर को पावर हाउस के अंदर बैठे ही इन्हीं पैनल से कंट्रोल कर लिया जाता है। इसलिए जो भी लोग पावर हाउस में होते हैं आप देखना पावर हाउस के बीच में घूमते हुए बहुत ही कम मिलेंगे, आपको कभी मिलेंगे ही नहीं। वह सब के सब जहां पर ऑफिस होता है, जहां पर पैनल लगे रहते हैं, वहीं से लाइन को ऑन ऑफ करते हैं। पावर हाउस में तो तभी जाते हैं जब कोई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। अब आपने यह जो आइसोलेटर का वीडियो देखा था यह प्रॉब्लम इस सर्किट ब्रेकर के अंदर भी क्रिएट होती है। जब यह इस हाई वोल्टेज लाइन को ओपन करता है तो बहुत ज्यादा स्पार्क क्रिएट होता है। अब यदि आप सोचो कि कोई बहुत बड़ा पानी का सोर्स है और उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर और स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है तो जब उसको कोई रोकेगा तो क्या होगा, क्या रोक भी सकता है उसको कोई? ठीक वैसे ही इस सर्किट ब्रेकर में होता है, जो हाई करंट फ्लो होता है जब उसको एकदम से रोका जाता है तो उसको जगह नहीं मिलती कि वह कहां पर जाए, इसलिए बहुत ज्यादा स्पार्किंग क्रिएट होती है। तो सर्किट ब्रेकर में जो स्पार्क होता है उसको आर्क बोलते हैं, और इस आर्क को कंट्रोल करने के लिए बहुत टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं। इनमें से सबसे मेन है SF6 सर्किट ब्रेकर, जो सर्किट ब्रेकर का चेंबर होता है जहां पर सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट लाइन को ब्रेक करने के लिए लगे रहते हैं, वहां पर SF6 गैस को भर दिया जाता है प्रेशर से, ताकि जब भी लाइन ब्रेक होती है तो यह गैस जो आग निकलती है उसको तुरंत बुझा देती है, क्योंकि SF6 आर्क को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेस्ट गैस है। अब यह गैस आग को तो बुझा देती है लेकिन जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट है वहां पर बहुत ही ज्यादा हीट क्रिएट होती है, इसलिए सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट कॉपर टंगस्टन के बने होते हैं, और इस तरीके से लाइन को सक्सेसफुली ऑफ कर दिया जाता है। जब लाइन को ऑन करते हैं तब ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, जब वह ऑफ होती है तभी यह सब कुछ होता है। तो इस तरीके से हाई वोल्टेज की लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए बहुत बड़ा सेटअप बनाया जाता है पावर हाउस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि कुछ ना समझ आए तो कमेंट में पूछ सकते हो, और यदि कोई सजेशन है फ्यूचर वीडियो के बारे में तो वह भी आप कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और चैनल पर विजिट करोगे तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।